एचआर न्यूज इस वक्त है सहजा बॉर्डर पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये रेवाड़ी पुलिस के बैरिकेड लगे हुए हैं, यानी कि जो NH8 को पूरी तरीके से रोका हुआ है, चाहे जयपुर को जाने वाला रास्ता हो चाहे दिल्ली से आने वाला रास्ता हो, तमाम यानी कि सर्विस लाइन तक को रोका हुआ है। और इसी के पीछे आपको बताएं राजस्थान की सीमा है शाहजहाँपुर बॉर्डर। ये देखिए हम दिखाएं आपको पूरा शाहजहाँपुर बॉर्डर का ये एक गेट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा ये देखिए गुमटी बनी हुई है, ये पूरा शाहजहाँपुर बॉर्डर का है। और इसके परली साइड में हम आपको बताएं यानी कि किसान बैठे हैं सारे, जो 3 अध्यादेशों को लेकर के दिल्ली जाने पे आमादा है, लेकिन पिछले 1 महीने से रेवाड़ी प्रशासन ने उनको रोका हुआ है और उनको दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है। ये हम कैमरा पर्सन से कहीं पर दिखाएं, पूरी छावनी में पूरी तब्दील किया हुआ है, बैरिकेड लगा करके बड़े बड़े पत्थर डाल करके मेन NH8 के ऊपर, और इन सबको रोका हुआ है ये कैंटन वगैरह लगा करके। और आपको बताएं ये देखिए कैमरा पर्सन से कहेंगे ये गुड़गांव का जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ ग्रामीण है बहुत सारे, जो आसपास के ग्रामीण हैं हरियाणा के ग्रामीण, उन्होंने आज कहीं ना कहीं स्थिति को तनावपूर्ण सीधा सीधा बना दिया है। उनका कहना है कि NH8 खुलना चाहिए, वो भी हम आपको दिखाएंगे लगातार किस तरीके से वो लोग विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पूरा पुलिस छावनी में जो तब्दील किया हुआ है इसको, NH8 को हम आपको दिखा रहे हैं, चारों तरफ से बैरिकेड लगा करके पूरा पुलिस ने रोका हुआ है रेवाड़ी प्रशासन ने। और उस साइड में यानी कि किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, उसको लेकर के स्थिति अब एक बार तनावपूर्ण हो गई है। जो स्थानीय लोग हैं उनका काम धंधा ट्रक जो यानी कि जो ट्रांसपोर्टर हैं, क्योंकि ये देखिए इस तरीके से ट्रकों को रोक रोक करके लगा दिया गया है स्थानीय पुलिस द्वारा, आड़े तिरछे कर करके। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं, ये देखिए ये NH8 पर इस तरीके से ट्रकों को लगा दिया गया है, उसको लेकर के जो ट्रांसपोर्टर है जिनके ट्रक हैं उनमें रोष है, और जो आसपास के ग्रामीण हैं उनका जो आवागमन का यह रास्ता जो बंद हो गया है उसको लेकर के बड़े परेशान हैं, क्योंकि जाहिर है गाँव के अंदर से यानी कि लोग निकल रहे हैं जिनको दिल्ली जाना है जयपुर जाना है वो ग्रामीण क्षेत्रों में से निकल रहे, तो उसको लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोष है, वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो रोष है ये। लेकिन हम आपको बैरिकेड दिखा रहे हैं तमाम किस तरीके से बैरिकेड यहाँ लगे हुए हैं, और इसके पीछे जो है जो किसान है जो राजस्थान की सीमा के अंदर है वो आंदोलन कर रहे हैं। स्थिति यानी कि तनावपूर्ण है, हरियाणा पुलिस इनको दिल्ली जाने नहीं दे रही, धारा 144 लगी हुई है, कोई भी यानी कि जवाब देने को पूरी तरीके से तैयार है नहीं। और इसको खुलवाने के लिए जब ग्रामीणों का तनाव यानी कि कहीं ना कहीं बढ़ा है हरियाणा के ग्रामीणों का, तो उन्होंने यानी कि राजस्थान पुलिस से बात किए किसी तरीके से जो आंदोलनकारी है उनसे बैठ करके वार्तालाप की जाए और NH8 को खोलने का प्रयास किया जाए। जैसा भी हमने राजेश कुमार जी का आपको हम बयान सुना रहे हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे। रास्ता खुलवाने की जो बात कर रहे हैं ग्रामीण, क्या कुछ आप लोगों ने किया है इसमें? अभी उधर से जो राजस्थान पुलिस को सूचना दे दी है उनके कुछ अफसर आ रहे हैं, वो इनसे बात करेंगे और फिर उन उधर से किसान नेताओं से भी शायद वो बात करवाएंगे तो कुछ हल निकलेगा। देखो तो 1 महीना का होगा, किसान जाना चाहते हैं यहाँ से, हाँ जी, ये ग्रामीण कह रहे हैं कि जाना चाहते तो उनको प्रशासन जाने दे, नहीं वो तो प्रशासन ने है ना, धारा 144 लगी हुई है ना जी, हाँ। तो उसमें ग्रुप में नहीं जा सकते आप, वैसे जाएं एक एक करके तो जा ही रहे हैं, खुला पड़ा है रोड जिस साइड से लोग जा रहे हैं, तो पीछे वाला रोड भी खुला है उससे भी जा रहे हैं। तो ये ग्रामीण जैसे कह रहे हैं कि हम बैट बात करेंगे हम उठा के फेंक देंगे लड़ाई की, नहीं नहीं ये बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, ये ऐसा कोई गैरकानूनी काम तो कोई भी नहीं करेगा, और वो भी इन्हीं के भाई हैं हमारे भाई हैं ऐसा कुछ नहीं। तो आप कौन से थाने से सर? मैं यहाँ बावड़ से हूँ। लगातार यानी कि स्थिति तनावपूर्ण यहाँ बनी हुई है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।